गौरी बाबा अपने तप और रहस्यों के लिए भरी दुनिया में काफी मशहूर है, लेकिन अगर कोई उन्हें ठगने का प्रयास करे तो उसके लिए अंजाम काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल मामला उज्जैन का है, जहां अघोरी बाबा के ठग भक्त ने 1 करोड़ दान का झांसा देकर प्रीटैक्स के नाम पर बाबा से 21 लाख रुपए ठग लिए। बाबा बम्बम नाथ को पता चला तो गुरु पूर्णिमा पर विदेश से भक्त को बुलाया और बंधक बना लिया। युवक की पत्नी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की तो मामला सामने आया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस बंधक युवक को छुड़ा ले गई। जीवाजीगंज टीआई गगन बादल के अनुसार बाबा के आश्रम में 6 साल पहले गाजियाबाद का अनुज प्रकाश आया था। उसके बाद वह भक्त बनकर अक्सर आश्रम आता रहता था। उसने बताया था कि वह अमेरिका में फेसबुक कंपनी में काम करता है। कर्मचारी दान देना चाहते हैं, 1 करोड़ दान पर 21 लाख प्री टैक्स जमा करना होगा। बाबा ने दान लेने के लिए इंदौर निवासी धीरज से मिलाया। जून में धीरज को अनुज ने दिल्ली बुलाया और 21 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद आरोपी अनुज विदेश चला गया। पिछले दिनों बाबा को ठगी का पता चला तो उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना करके अनुज को बुलाया और बंधक बना लिया।